जी फरमाइए। सब्जियां तो मैं काट रहा था, आप क्यों काटने को दौड़ रही हैं? गुस्सा आ रहा है मुझे अब्बा पर। अल्लाह खैर क्या हो गया, इतने क्यूट से तो हैं कुतुब अंकल, क्या खता हो गई उनसे? खैर कुछ नहीं, आप बताएं क्यों कॉल किया आपने मुझे। याद है हमने मेरी किताबें लेने के लिए जाना था, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं, अभी चलें? अभी अभी तो अब्बा ने बुलवा रखा है कुछ मेहमानों को मेरे रिश्ते के लिए। खरबूज चमचा लॉक करके चला गया, अल्लाह करे कीड़े पड़े उसके दांत में, उसका खरबूजा फीका निकले। माँ को कॉल करती हूँ। अच्छा सुने, मुझे नेहा कॉल करी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। माँ का नंबर बिजी क्यों जा रहा है? आप अपने घर में रहते हुए एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं क्या? वो आपके घर में है, खुदा हाफिज। कमर तक तो ठीक था, आज दिल भी टूट गया। माँ का दिन बहुत हो गया, अब ये शाशलिक नहीं बन सकती मजीद। तद्दू हैंडसम को कॉल करती हूँ। तू भी फोन नहीं उठा रहे। आइए जी, आइए जी जी। ये आपके लिए। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं, बैठिए प्लीज। लगता है मेड नहीं आई आज आपकी। नहीं, वो मेड तो हमारी होती ही नहीं है, वो ये लड़कियां ही मिलजुल कर घर के काम कर लेती हैं। अच्छा, तो शायद स्टडीज में बिजी हैं आजकल, तभी तो ये सब कुछ। जी जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? ओ लेवल्स में पढ़ती हूँ मैं। लेकिन ये किताब तो बीएस लेवल की समझ आ जाती है आपको? तो आज मैंने तुम्हें बताया था ना, प्रोफेसर साहब की तीनों बेटियां बहुत जीनियस हैं माशाल्लाह से। साशा जल्दी ये चीजें समेटो और माहा को बुलाओ। अब मैं बल्कि माहा को बुलाती हूँ। जी जी। कुतुब साहब नेहा कहाँ है? नेहा को मैं अभी बुलवाता हूँ, बस एक सेकंड आया। एक्सक्यूज मी। ताज तमीज से